नमस्कार दोस्तों, ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। नए वर्ष की आप सब लोगों को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इधर पिछले दो हफ्ते से मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पाया, उसका कारण था कि मैं ट्रैवल कर रहा था। नए वर्ष में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद राम मंदिर के निर्माण की है। मंदिर तो अब बन गया, उसका उद्घाटन समारोह भी शुरू हो गए और शायद ये समारोह मई तक चलें जब हमारे यहाँ चुनाव होंगे। और ये बात तो स्वाभाविक है कि जबकि इतना बड़ा मंदिर उसका निर्माण हुआ है और इतने वर्षों बाद हुआ है, तो इस खुशी में ये समारोह कई दिन तक चलने भी चाहिए। लेकिन इधर पहले देखा गया है कि जब भी मोदी सरकार कोई इवेंट करती है तो उसका मकसद किसी और चीज को छुपाने का होता है कि वो चीज सामने, जनता के सामने ना आ पाए। तो इसीलिए अब इस कार्यक्रम में हम देखेंगे कि देश के हालात इस समय क्या हैं और ये खबर कहीं भी छापी नहीं जा रही है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो ये चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। मेरे कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मैसेज वायरल हुआ है। ये मैसेज मेरे को कई मेरे मित्रों ने ये फॉरवर्ड किया है, जो ये बताता है कि देश में कितनी खुशहाली छाई हुई है। मैं ये मैसेज के कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाता हूँ। शायद ये मैसेज आपको भी जरूर आया होगा और ये बिल्कुल साफ है ये कहाँ से आया है। ये कहता है, मार्केट का चलन बदल गया है या फिर बिजनेस का तरीका, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। रेस्टोरेंट्स एकदम फुल हैं, फूड कोर्ट खचाखच भरे हुए हैं, ओला और उबेर की गाड़ियां खूब दिख रही हैं, ऑटोमोबाइल में रोज नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं और उसकी साल साल भर की वेटिंग है। एसी और एलईडी टीवी रिकॉर्ड तोड़ बिक रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर पेट्रोल के दाम बढ़ने के बावजूद उनकी खपत में कहीं कमी नहीं आ रही है। ट्रेन बुकिंग में लंबी वेटिंग है, जोमैटो और स्विगी वाले हर जगह हैं, मोबाइल मार्केट में आ रहे हैं, डॉक्टर के पास मरीज है, सीए के पास लाइन लगी है, फ्लाइट्स फुल हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ईएमआई पर खूब सामान खरीदा जा रहा है, रिकॉर्ड जीएसटी जमा किया जा रहा है, ऑयल इम्पोर्ट्स दिनों दिन बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड लोगों ने इनकम टैक्स जमा किया है। मंदी फील तो हो रही है, पर किस टाइप की मंदी है ये समझ नहीं आ रहा, और समझ आना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मैसेज सच आधा झूठ और झूठ से भरा हुआ है। इस मैसेज में ज्यादातर चीजें गलत हैं और शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया गया है कि आपको लगे कि सारा कुछ बहुत ही एक पॉजिटिव सा माहौल बना हुआ है। मैं 2-3 पॉइंट्स केवल इस मैसेज के काउंटर में यहाँ दिखा रहा हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे किस तरह से डेटा को तोड़ा मरोड़ा गया है। अभी 1 या 2 महीने पहले बैंकों को अनसिक्योर्ड लोन देने का जो प्रोसेस है उसको आरबीआई ने थोड़ा सा टाइटन किया है। उसका कारण ये था कि विलफुल डिफॉल्ट जो रिटेल में लोन है, यानी कि जो छोटे छोटे लोन लोगों को दिए जाते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन है या अन्य किसी ज़रूरत के लिए जो लोन है, उसमें लोग पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। ये डेटा जो मैं दिखा रहा हूँ ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, ये पिछले साल का है, जिसमें ये बताया गया है कि 3,53,874 करोड़ रुपीस वो बैंकों को वापस नहीं किया गया है। और इसी आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि 2023-24 में इस संख्या में वृद्धि होने की आशंका है। तो अब ये ठीक से मालूम नहीं है कि ये जो लोन लिए गए हैं इसमें से कितना लोग मोबाइल खरीदने में या ट्रैवल करने में लगा रहे हैं, बट ये बात ज़रूर है कि ये लोन वापस किए नहीं जा रहे हैं। और उधर भारत सरकार का तो ये पता ही है कि मोदी सरकार उधार ले लेकर ही अपना काम चला रही है।
अब दूसरी बात करते हैं कि सोने की दुकानों में खचाखच भीड़ है और यहाँ पर दाम बढ़ने के बावजूद भी सोना लोग खरीदे जा रहे हैं। ये खबर है अगस्त 2023 की, जिसमें ये कहा गया है कि भारत की गोल्ड डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है और 3 साल में सबसे ज्यादा कम इस साल होगी, 10% की गिरावट आई है। क्योंकि सोने के दाम इस वक्त बढ़े हुए हैं, इसलिए स्क्रैप बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है। स्क्रैप बिजनेस उसे कहते हैं जिसमें आप पुराना सोना देखें और फिर नया कुछ उसमें थोड़ा बहुत ऐड करके ले लें। तो ये आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 61% की स्क्रैप बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है। तो शायद इसी वजह से आप दुकानों में ये भीड़ देख रहे हैं। और जहां तक बात रही कि हमारे ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। अभी तक हमारा कंजम्पशन प्री कोरोना लेवल तक नहीं पहुंच पाया है, जो कि 2014 मैट्रिक टन था। पिछले साल ये 2004 मैट्रिक टन था और हमारे कंजम्पशन में पिछले 3 वर्षों में निरंतर गिरावट आ रही है। मैं उस मैसेज के हर पॉइंट पर काफ़ी डेटा दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक बहुत लंबा एपिसोड वो बन जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं इस कार्यक्रम में। मैं आपको कुछ और फाइनेंशियल आंकड़े दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हमारे देश की हालत क्या है। वैसे अगर आपने नोट किया होगा तो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि जब भी किसी विभाग का कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है तो उस विभाग के मंत्री गायब हो जाते हैं। अब निर्मला सीतारामन को ले लीजिए, आपने शायद इनको पिछले 8-9 महीनों से कहीं भी देखा नहीं होगा। ये ना तो आरबीआई की ब्रीफिंग में आती हैं, वो शक्तिकांत दास अकेले ही आ रहे हैं, ना ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कभी दिखती हैं, तो ये गायब हो चुकी हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था कुछ ठीक नहीं कर रही है। नहीं तो एक ज़माना ये था कि हर महीने निर्मला सीतारामन जी आकर ये बताती थी कि देश का जीएसटी कलेक्शन किस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में जीएसटी की ही बात कर लेते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि इस बढ़ते हुए जीएसटी के पीछे राज क्या है। शायद भारत ही विश्व में अकेला ऐसा देश होगा जहाँ पे टैक्स कलेक्शन को लेकर एक राजनीति चलती रहती है। यहाँ तक के मंत्री जी को आके स्टेटमेंट देना पड़ता है। हमारे यहाँ जब भी जीएसटी कलेक्शन ऊपर जाता है तो मोदी जी की वाहवाह होती है, और जब नीचे जाता है तो ये खबर रिपोर्ट ही नहीं की जाती। उदाहरण के तौर पर मैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखा रहा हूँ, एक ही खबर है कि जीएसटी कलेक्शन दिसंबर में 1,64,800 करोड़ हुए थे। उसी खबर को हिंदू दिखाता है कि ये पिछले 3 महीने से ये कम होता जा रहा है कलेक्शन, और उसी खबर को इकोनॉमिक टाइम्स ये बताता है कि ये 10% की यहाँ पे वृद्धि हुई है अगर आप पिछले साल दिसंबर के कलेक्शन को इस साल दिसंबर के कलेक्शन से कंपेयर करेंगे। इस ग्राफ में मैं पिछले 3 वर्षों का जीएसटी कलेक्शन दिखा रहा हूँ। पीले रंग में 2023 का डेटा है, ब्राउन कलर में 2022 का, और नीले रंग में 2021 का। दिसंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन था 1,64,882 करोड़, 1,64,882 करोड़ रुपीस, और यही फिगर पिछले वर्ष था 1,49,507 का। तो अगर इन दो फिगर्स को कंपेयर करेंगे तो 10% की ग्रोथ है, जैसा इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। उधर हिंदू ने ये 3 फिगर लेकर रिपोर्टिंग की है कि लगातार पिछले 3 महीनों से जीएसटी कलेक्शन घटता जा रहा है। जीएसटी कलेक्शंस की ग्रोथ तभी पता चलती है जब आप पूरे एनुअल फिगर्स देखें। 2023 में लगभग 19,62,943 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन था, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 12% ज्यादा रहा है। और इसी तरह 2022 का कलेक्शन 2021 के मुकाबले 22.6% ज्यादा रहा है।
तो चलिए देखते हैं कि ये जो 11.9% की जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है इस साल 2023 में, इसका क्या कारण है? क्या वाकई में हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, हमारा देश के हालात सुधरे हैं, या ये किसी और वजह से ये इंक्रीज यहाँ पर आ रहा है? इधर मैंने पर मंथ एवरेज जीएसटी कलेक्शन भी दिखाया है, जो 2023 में 1,63,579 करोड़ रुपए था, 1,63,579 करोड़ रुपीस इज द एवरेज जीएसटी कलेक्शन पर मंथ इन 2023। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइज, कीमतें बढ़ेंगी और उस पर जीएसटी भी बढ़ेगा, क्योंकि जीएसटी कीमत का 1% ही सरकार चार्ज करती है। तो 2014 के बाद से ये इन्फ्लेशन मोदी सरकार का 5.5-6% के बीच में ही लगभग रहा है। जब भी ये कम हुआ है, यहाँ पर जब ये कम हुआ है 2016-17 में, वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से था, और उसके बाद कोरोना आया तो थोड़ा कम रहा, लेकिन मोदी सरकार ने ये इन्फ्लेशन 5.5-6% के बीच में ही रखा है, और इसी वजह से हमारी कीमतें भी लगातार साल दर साल बढ़ती जाती हैं। शायद आपको पता हो कि रिटेल इन्फ्लेशन, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, उसमें कुछ ही चीज़ें गिनी जाती हैं जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जिसमें खाने की चीज़ें, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, मिठाइयाँ, स्नैक्स, हाउसिंग, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमारी आम जिंदगी को अफेक्ट करते हैं, उसमें वो ही रिटेल इन्फ्लेशन में गिनी जाती हैं। अब आते हैं हम अपने इम्पोर्ट्स पर। मैं बेस प्राइस इंक्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ इम्पोर्ट्स में, मैं केवल डॉलर फ्लक्चुएशन की यहाँ पर आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। 2022 में हमारा डॉलर लगभग 75 रुपए के आसपास था, जो 2023 के आने से पहले ही ये 83 रुपीज के ऊपर पहुंच गया है, यानी कि 10% से ज्यादा हमारे रुपए की कीमत गिर गई है। इसी वजह से जितने भी हमारे इम्पोर्ट्स होते हैं उनकी लागत 10% से बढ़ गई है। तो जब वो रिटेल मार्केट में वो चीज़ें बिकती हैं तो जो उन पर जीएसटी लगता है वो भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, यानी कि 10% जीएसटी केवल हमारे इम्पोर्ट्स में ही कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। अब लास्ट सेक्शन में मैं कुछ ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की बात करूंगा जो के हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। एक तो ट्रैवल है, हर कोई ट्रैवल कर रहा है, हवाई जहाज से ट्रैवल कर रहा है। हवाई यात्रा पर इकोनॉमी क्लास में 5% जीएसटी है और बिजनेस क्लास पर 12%, ट्रेन ट्रैवल पर 5% है। तो अगर लोग यात्रा ज्यादा करेंगे तो उसमें सरकार का फायदा ही है। और दूसरा है हाई वैल्यू कार सेल। ये ज़रा देखने वाली बात है कि लोग कहते हैं कि गाड़ियां ही गाड़ियां बिक रही हैं और लोग खूब गाड़ी खरीद रहे हैं, इस पर भी मैं अंतिम स्लाइड आपको दिखाऊंगा। ज़रा एक नज़र डालिए पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर सेल्स के ऊपर। ये बोला जा रहा है कि एकदम से बहुत ज़्यादा व्हीकल्स बिक रहे हैं, खासकर टू व्हीलर। ये हर साल होता है, साल के अंत में हमेशा व्हीकल्स ज़्यादा बिकते हैं। ये सिलसिला दशहरे दिवाली से के करीब से शुरू होता है, ये दिसंबर तक ऊपर जाता है और फिर से जनवरी में नीचे आता है। वही इस साल भी हो रहा है, ये अक्टूबर नवंबर से ये ऊपर जा रहा है, जनवरी के बाद ये नीचे आएगा। और जहां तक कार सेल्स का सवाल है, ये पैसेंजर व्हीकल्स की लाइन है यहाँ पर जो ब्राउन रंग में है, इसमें पिछले साल भी नवंबर में 358,884 यूनिट्स बिके थे, 358,884 यूनिट्स ऑफ कार्स वर सोल्ड, और इस साल भी नवंबर में 360,431 यूनिट्स ऑफ कार सेल्स हैव हैपेंड। तो ऐसा कोई ड्रामेटिक इंक्रीज नहीं है, एक नेचुरल इंक्रीज है ज़रूर, क्योंकि हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है और साल दर साल ये यूनिट सेल्स बढ़ती है। और कार और टू व्हीलर सेल का अगर आप जीएसटी पर इफेक्ट देखेंगे तो मैंने अज्यूम किया है कि एवरेज प्राइस ऑफ टू व्हीलर 1 लाख मान के चलिए और एवरेज प्राइस ऑफ फोर व्हीलर गाड़ी 10 लाख मान के चलिए, तो
हमारी जीएसटी के एक महीने का कलेक्शन हर साल वो केवल इन दो कैटेगरी पैसेंजर कार और टू व्हीलर सेल से आता है। ये टेबल में मैंने दिखाया है, आप अलग से देख सकते हैं। जैसे हमारा एवरेज पर मंथ कलेक्शन जीएसटी का लास्ट ईयर 1,63,579 करोड़ था और जीएसटी फ्रॉम व्हीकल 1,54,603। तो जैसे जैसे ऑटोमोबाइल सेल बढ़ेगा उसमें सरकार का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जीएसटी ऑन व्हीकल्स अगर आपको पता नहीं है तो ये जान लीजिए कि 28% है। तो जैसा कि बोला जा रहा है कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जीएसटी कलेक्शन देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये मैंने आपको दिखाया कि इन्फ्लेशन 5.6% रहा है, इम्पोर्ट्स हमारे 10% से ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे रुपए की कीमत गिर गई है, और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जैसे कि ट्रैवल, ऑटोमोबाइल सेल्स, फ्लैट रजिस्ट्रेशन, ये सब बढ़ गए हैं। इसकी वजह से जो जीएसटी कलेक्शन थोड़े बहुत आए हैं, लेकिन नोट ये करिए कि गरीबों के लिए इसमें कोई राहत नहीं है। ये सारा जो बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसकी कीमत गरीब लोग चुकाते जा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।